सफेद बाघ। ये एक अकेला ऐसा बाघ था जो कि पूरी तरह से सफेद रंग का था, ना कोई पीला रंग ना कोई काले पट्टे। उसे इस बात का बड़ा ही घमंड था। आते जाते वो खुद के रंग की, खुद के अनोखेपन की तारीफ करता और दूसरों को भला बुरा कहने लगता। इस वजह से हर कोई उससे दूर दूर भागता। कमाल है, मुझ जैसे अनोखे इकलौते सफेद बाघ का एक भी दोस्त नहीं। ये सब जरूर जलते हैं मुझसे, इसलिए कोई भी मुझसे ठीक से बात ही नहीं करता। अरे ओए उल्लू, मुझे घूर क्यों रहे हो? मेरे सफेद रंग को अपनी नजर मत लगाना। तुम्हारा सफेद रंग तुमको मुबारक। मैं तो कब से तुम्हारी बकवास बातें सुनकर पक चुका हूँ। अगर मैं कोई फल होता तो कब का पेड़ से नीचे गिर गया होता। कहता है नजर मत लगाओ, तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता। मैं भी जा रहा हूँ। जाओ जाओ, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। उल्लू की तरह अगर कोई भी जानवर या पंछी बाघ को उसके आसपास नजर आता तो वो उन्हें इसी तरह से फटकारता। बस इसलिए कोई भी 5 मिनट से ज्यादा उसके पास ना रुकता। पर बाघ को ये बात समझ में ही नहीं आती। वो तो बस अपने सफेद रंग के घमंड में इस तरह से अंधा हो चुका था कि और कुछ उसे दिखाई ना देता। एक दिन जानवरों और पंछियों की सभा बुलाई गई, पर किसी ने भी बाघ को बुलाना जरूरी नहीं समझा। जैसे ही बाघ को इस बात का पता चला, वो सबसे लड़ने वहां जा पहुंचा। आज फिर तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितना जलते हो। इसी वजह से तो मुझे इस सभा से दूर रखा तुम लोगों ने। जरूर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हो। तुम बेवजह हमेशा खुद को इतना महत्व देते हो। यहाँ किसी को तुम्हारा ख्याल तक नहीं आया, इसलिए किसी ने भी तुम्हें बुलाया नहीं। सही कहा तेंदुए, तुम हमेशा दूसरों का मजाक किरकिरा करते आए हो, इसलिए कोई भी तुम्हें अपने आसपास नहीं चाहता। मैं तो कहती हूँ कि आज जब सब लोग इकट्ठा हो ही गए हैं, तो सब मिलके तय करते हैं कि आज के बाद कोई भी सफेद आफत से बात नहीं करेगा। चील की बातों से सब सहमत हो जाते हैं और बाघ उनकी बातें सुनकर गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुनाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। पर कुछ ही देर में एक पंछी सारे जानवरों को आके बताता है कि वह बाघ शिकारियों के जाल में फंस चुका है और वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। सारे पंछी जानवर एक दूसरे के तरफ देखने लगते हैं। मुझे लगता है हमें चलकर उसे वहाँ से निकालना चाहिए। हम जानवरों के झगड़े का फायदा वो शिकारी उठाए, ये अच्छी बात ही नहीं है। सही कहा तुमने। एक काम करो, जंगल के सारे चूहों को बुलाओ और उनसे वो जाल कूटने के लिए कह दो। चलो सब जल्दी जल्दी काम पर लग जाते हैं, इससे पहले कि वो शिकारी वापस आ जाए। जानवरों को बुलाते ही सारे चूहे इकट्ठा हो जाते हैं और मिलकर उस जाल को कूटने लगते हैं। बाकी जानवर भी उनसे हो सके वो मदद करते हैं। आखिरकार बाघ जाल से बाहर निकल ही आता है। उसके बाहर निकलते ही सब लोग उससे बिना बात किए बगैर वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी बाघ उन्हें रोक लेता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तो उस जाल में फंसकर सारी उम्मीदें खो दी थी। मुझे नहीं लगा कि तुम सब मुझे बताने यहाँ आओगे, पर तुम सब ने यहाँ आकर मुझे एहसास दिलाया कि मैं सच में कितना गलत था। और इतना सब होके भी तुम मेरी मदद करने चले आए, सच में तुम सब ने मेरा घमंड चूर चूर करके रख दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना और मुझे भी अपने साथ शामिल कर लेना। बाघ का माफीनामा सुनकर सारे जानवर खुशी खुशी उसे माफ कर देते हैं। बाकियों की भलाई उस बाघ का घमंड तोड़ ही देती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इंसान हो या जानवर, घमंड में अकेला ही पड़ जाता है। अगर सबके साथ रहना है तो घमंड को कोसों दूर रखना जरूरी है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।